हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज से नई नोटिस रिलीज हुई है। ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि जो परमानेंट पोस्ट हैं उनको कवर की जाए वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि गेस्ट फैकल्टी मीन्स असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर की भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वीडियोज में मेरे कवर हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। काफी सारे गेस्ट फैकल्टीज के लिए भी आए हुए हैं कॉलेजेस में। तो इस वीडियो में परमानेंट पोस्ट डिस्कस करेंगे। 80,000 रुपीज सैलरी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी बनने वाली है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड होने के केस में बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकेंगे। बाकी की डिटेल्स हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट की डिटेल इस तरीके से, कॉमर्स में टोटल 12 वैकेंसीज हैं और अनरिजर्व यू आर मीन्स जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी। सपोज किसी में जैसे कंप्यूटर साइंस में एसटी में सीट नहीं है, एसटी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है, तो ऐसे केस में यूआर में आकर एप्लीकेशन किसी दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट भी कर सकते हैं। बाकी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल मीट होनी चाहिए। तो कॉमर्स में टोटल 12 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 7 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 4 पोस्ट है, इंग्लिश में 2 पोस्ट है, जियोलॉजी में 6 पोस्ट है, हिंदी में 7, हिस्ट्री में 1, माइक्रोबायोलॉजी में 5 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 8, स्टैटिस्टिक्स में 4, फिजिकल एजुकेशन 1, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज 6, इन्वायरमेंटल स्टडीज 2, मैथमेटिक्स 8। टोटल 73 वैकेंसीज, कुल मिला के 77 वैकेंसीज है। रामलाल आनंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस आते हैं, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में एक है रामलाल आनंद कॉलेज। अगर परमानेंट पोस्ट होती है और गवर्नमेंट पे स्किल ऑफर हो रही है, तो आप इसे गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट परमानेंट जॉब कंसिडर कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। इसकी जो भी एप्लीकेशन होती है वो यहाँ पर एक लिंक आपको ब्लू कलर में नजर आ रही होगी, colrec.du.ac.in। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनकी एप्लीकेशन एक्चुअली इस पोर्टल पे जाके करनी होती है। बाकी की डिटेल्स हम ऑफिशियल वेबसाइट पर कवर करते हैं। 57,700 लेवल 10, 7 CPC, 57,700 की सिर्फ बेसिक पे है। दिल्ली में क्या है कि HRA ज्यादा है, तो HRA ज्यादा होने की वजह से और DA वगैरह, अब प्रोविडेंट फंड, न्यू पेंशन स्कीम मिलती है के हिसाब से पेंशन रहेगी, फिर और भी कई सारे मल्टीपल ग्रेचुटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें मिला के मिनिमम सैलरी 80,000। कुछ कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि 90 भी मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 90-95 मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है स्टार्टिंग सैलरी। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 8 अक्टूबर 2022, या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब पब्लिश होती है तो मोस्टली आप 8 अक्टूबर के आसपास या पहले एप्लीकेशन कर दें। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है रामलाल आनंद का कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये मैंने विकिपीडिया से लिया, मेरी कोशिश रहती है कि विकिपीडिया से ही लिंक्स लूँ, कई बार नहीं मिलते। विकिपीडिया से लेने के बावजूद आप इसको वेरीफाई कर लें। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने पे क्विक लिंक्स है सेकेंड कॉलम में, यहाँ पे वैकेंसीज सेकेंड लास्ट में आपको दिख रही होगी, वैकेंसीज पे एक बार क्लिक करें। तो वैकेंसीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये पेज फिर से ओपन हो जाती है आपके सामने। यहाँ पर वैकेंसीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे टॉप में है, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट आई हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑन परमानेंट बेसिस, यहीं पर लिख दिया है परमानेंट। लिंक टू अप्लाई विल बी एक्टिवेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 13 सितंबर। 14 सितंबर को ये वीडियो बन रही है, 13 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई है। एडवर्टीजमेंट में इतना ही था सब्जेक्ट, अभी जनरल इंस्ट्रक्शन, क्वालिफिकेशन, गाइडलाइंस, FAQs, इन सभी चीज़ों के लिए आप एक एक करके क्लिक कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप चाहते मैं कवर कर देती हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल कवर कर देती हूँ। जैसे अभी मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट क्वालिफाई होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स, और अदरवाइज UGC नेट प्लस, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा, UGC नेट प्लस 55% मार्क्स, PG कंसर्न सब्जेक्ट। एक बार क्लिक करके चेक कर लेते हैं। तो वो मैंने अभी आपको जस्ट शो किया कि क्वालिफिकेशन के लिए अलग से, तो वो मैंने पेज PDF ओपन की, 5 पेजेस की है। फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, इसके लिए 55% मार्क्स मास्टर डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में, PG में 55% मार्क्स, 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है मार्क्स में, परसेंटेज में मास्टर डिग्री में, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड PWBD कैंडिडेट्स को। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि नेट होना चाहिए या फिर CSIR UGC नेट या CSIR UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अभी अभी एक कुछ मंथ से ऐड किया है कि अगर PhD डिग्री है
वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 500, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने पीएचडी अवार्ड ली हुई है, तब आप विदाउट नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें कुछ कैंडिडेट्स को एग्जम्प्ट किया जाता है, जो कई बार मेंशन किया रहता है, जिन्होंने जुलाई, हाँ यहाँ पे प्रोवाइडेड फर्दर दैट किसी ने एमफिल या पीएचडी July 11, 2009 के पहले रजिस्टर किए, उनकी पीएचडी अवार्ड अब मिल चुकी है उन्हें और पॉइंट ए बी सी डी ई में मिले कंडीशंस को उनकी पीएचडी सेटिस्फाई करती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को, फिर से रिपीट कर दूं, July 11, 2009 के पहले, प्रायर लिखा है, प्रायर टू मीन्स इसके पहले अगर किसी ने पीएचडी या एमफिल, किसी कैंडिडेट ने पीएचडी या एमफिल रजिस्टर कर ली थी, पीएचडी अब कंप्लीट हो चुकी है और पॉइंट ए बी सी डी कंडीशन सेटिस्फाई करती है उनकी पीएचडी, तब विदाउट नेट भी अप्लाई आप कर सकते हैं। अदरवाइज मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीजी 55% मार्क्स प्लस नेट, ये इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए थोड़ा अलग रहता है, तो वो आप चेक कर सकते हैं अगर इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट हो तो। एक और मैंने ओपन कर लिया जनरल इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, वैसे तो सभी चीज़ों को पढ़ लें। और 13 सितंबर से जनरल इंस्ट्रक्शन में फ़ी की इंस्ट्रक्शंस होती है, 500 रुपीज़ रहती है अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। फ़ी जब भी आप पे करते हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है, कई बार कमेंट में होता है ये रिफंड होती है क्या, रिफंड नहीं होती है, फ़ी वंस पेड गॉन, तो पैसे एक बार आपने फी पे कर दिए तो वो आपको वापस रिफंड किसी भी कंडीशन में नहीं मिलती। इसलिए पहले ये सारे टर्म्स कंडीशंस पढ़ लें, सारे एडवर्टीजमेंट की डिटेल पढ़ लें खुद बैठ के, और उसके बाद वक्त लगा के समझ के तभी एप्लीकेशन करें। नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम द एप्लीकेंट्स फ्रॉम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड विमेन एप्लीकेंट। विमेन एप्लीकेंट में क्लियर कर दूं, ऑल फीमेल कैंडिडेट नो फी, सभी विमेन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी नहीं है जो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और इसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी फीस नहीं है। तो फी किनके लिए, मेल कैंडिडेट जो अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो ये हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन में, और कोई कुछ खास चीज हो तो ये पढ़ सकते हैं आप। इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर आपके एफएक्यूज में भी दिए रहते हैं, जैसे दिमाग में कई तरह के क्वेश्चन छोटे बड़े चल रहे होते हैं, तो उनको कलेक्ट करके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, कैंडिडेट्स ने बार बार पुट अप किया होगा, तो उनको मिला के एफएक्यू में। कैन ए पर्सन अप्लाई फॉर मोर देन वन फैकल्टी पोजीशन, यस। विच आर मैंडेटरी फील्ड्स इन द एप्लीकेशन, कौन से फील्ड होते हैं जिसको आप छोड़ भी सकते हैं कि बहुत लंबा है एप्लीकेशन फिल करते करते, तो जो रेड एस्ट्रिक रहता है वो तो फिल करना ही करना है कभी भी किसी भी, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात नहीं है, कभी भी जब आप गूगल फॉर्म या कोई भी फॉर्म फिल करें जिसमें रेड एस्ट्रिक है मतलब वो मैंडेटरी, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी जिसमें रेड एस्ट्रिक नहीं वो ऑप्शनल है, भरें तो भी अच्छा है, नहीं भरें तो भी फिल कर दें वो कॉलम तो भी चलेगा, नहीं फिल किया तो भी, रेड एस्ट्रिक होने पे वो फिल करना ही पड़ता है। इसी तरीके के कुछ खास खास जो क्वेरी है इसमें पढ़ के आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं तो हर चीज को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया भी इसमें दी होती है, इंटरव्यू होती है डायरेक्टली इंटरव्यू के बाद, जो शॉर्टलिस्टिंग के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगी, रामलाल आलन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।